नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ आपके लिए जो चैनलिंग है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए, और डीएम की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है ये भी हम यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। और आपके लिए यही मैसेज है, आप एक ऐसी जगह पे हैं अभी कि गुमसुम हो गई हैं और अंदर ही अंदर कंटिन्यू भगवान को याद करते हुए, भगवान को सब कुछ न्यूछावर करते हुए, और आपने एक चुप्पी धारण कर ली है इस टाइम, ऐसा आपको लग सकता है। ये आज से कल तक की एनर्जी रह सकती है, 8 बजे तक की रात कि आपका बोलने का दिल ना करे किसी के साथ, ठीक है। अंदर ही अंदर आपको महसूस हो कि जब ये जर्नी स्पिरिचुअल है तो क्यों ना मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए अपने रास्ते को सही करूं, आगे का आने वाला समय मैं सही करूं। इस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है। और सपने में आपके एंसेस्टर जो आपके कहते हैं उनको, जो लोग चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग थे या और भी थे, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग थे जो काफ़ी दूरी वाला रिश्ता था जिनके साथ आपका, वो आपके सपने में आ सकते हैं, आपसे हेल्प मांग सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं और वो आपको दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए और वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, ऐसा आपको सपने में लग सकता है। दूसरा, आपका जो दिल है, एक डर था अंदर, एक घबराहट बनी थी, तो वो डर भी बाहर निकल रहा है और उस डर को आप भगवान को दे रहे हैं कि अब मुझे ये डर नहीं चाहिए क्योंकि तूने मेरी जीवन में जो भी दुख दिए हैं वो अब पूरे हो गए हैं। आपकी ऐसी एनर्जी भी रह सकती है और आप भगवान के साथ इस तरह से बातें भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो उनका रोने का भी दिल करेगा इस एनर्जी को, जब ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है तो रोने का दिल आपका कर सकता है। देखिए, चैनलिंग है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपके साथ ये मैच नहीं करेगी, मैच आपके साथ ज़रूर से ये होगी। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है तो ये एनर्जी आपसे मैच हो सकती है और इस तरह से आपकी एनर्जी रहने वाली है। दूसरा, आप अपने रास्ते पे, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगा है कि क्योंकि मैं डीएम से बहुत अलग हूँ, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं डीएम से अलग हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके ही जैसी हूँ और वो मेरे जैसा है, और एक दिन वो इस बात को समझ जाएगा। ये एनर्जी भी आपके अंदर आ सकती है और वो समझेगा भी आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं डीएम की बात करूँ, यहाँ पे डीएम की जो हायर सेल्फ है उसकी भी बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि 3D में डीएम क्या कर रहे हैं। 3D में डीएम घूम रहा है, चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, गलतियों का एहसास उसे हो रहा है और दुनियादारी उसको समझ है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि कई बार ये इंसान स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहा है दूसरों को और ख़ुद इसका दिल अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस हो रहा है आपको लेके, ये टूटा जा रहा है अंदर से क्योंकि आपके साथ ही स्पिरिचुअलिटी है। और जितना ही आपसे दूर भागता है उतना ही ये स्पिरिचुअलिटी से दूर होता है। अगर ये भगवान के रास्ते पे चलता है तो उतना ही आपके करीब आता है और ऐसा इसको इस समय इसको समझ आएगी कि ये मैंने कई बार आजमाया है और मैंने देखा भी है, ठीक है। तो ये आना, जैसे कि मैं तुम्हें कहती हूँ हर बार कि अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो
इस जर्नी का मेन मकसद यही है कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करके उसको डीएम को याद नहीं करना है आपको। और ये तो है नहीं कि आप डीएम को भूल जाएंगे, ठीक है, डीएम को भूल नहीं सकते किसी भी हालत में। मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी इसके ऊपर। तो जो उसकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपसे कहना चाहती है कि मैं अकेला हूँ तुम्हारे बगैर, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे आ रही है, चैनलिंग हो रही है इस टाइम, ठीक है। वो अकेला है, बिल्कुल अधूरा है तुम्हारे बगैर। और इस टाइम अगर वो कुछ भी करता है तो उसकी आत्मा को पेन होता है बहुत ज़्यादा, अगर वो तुम्हारे बगैर ज़रा सा भी सोचता है। और जो वो एक होके चलना चाहता है तुम्हारे साथ, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे कर्म हैं जो वो एक होने नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि आप दोनों के जो साथ में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको आपको साथ लेके चलना है अपने। तो आपके डीएम की जो हायर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि मैं तुमसे अलग बिल्कुल नहीं हूँ और बहुत प्यार है मुझे अपने ही शरीर से, क्योंकि वो जानता है क्योंकि आप उन्हीं का हिस्सा हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो अवेकन नहीं है अभी, और अवेकन वो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन के उसमें अभी नहीं, अगले साल से ही जाएंगे, ठीक है, जब उनका सेपरेशन, अभी आपका सेपरेशन और होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप एंजॉय कीजिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, क्योंकि आपके डीएम का आना जाना लगा रहेगा आपकी तरफ, और थर्ड पार्टी को भी वो चूज़ करते रहेंगे। अभी आपकी सिचुएशन इस तरह से चलती रहेगी एक साल तक, लेकिन एक समय आएगा आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी कोई हेल्प सही नहीं दे सकता। अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आप इस जर्नी को आराम से पार कर सकते हैं। तो जब उसकी जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, हर टाइम आपके साथ खुशी बिताना चाहती है और आपके साथ बैठना चाहती है काफ़ी टाइम तक, वो आपसे दूर होना नहीं चाहती। यही देखिए, मुझे ये चैनलिंग ऊपर से हो रही है ये डाउनलोड, ठीक है, अभी मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं एनर्जी जो भी बोल रही हूँ वो डाउनलोड हो रहे हैं मुझे। और इस तरह से आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं, उनकी आँखें नम हो सकती हैं आपके डीएम की आपको देख के, बहुत सी जगह पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपसे बात होगी तो आपकी डीएम की जो आँखें हैं वो भर के आ सकती हैं। बहुत मुश्किलें जितनी आपने देखी हैं आपके डीएम ने भी देखी हैं आपके लिए। किसी ने मुझे पूछा है कि डीएम को कैसा फील होता है, तो देखो मेरी किसी डीएम से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी, ठीक है। और मैं आपको डीएम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में भी बता सकती हूँ, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।